नमस्कार, आवाज में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में शहर शहर बुखार है, बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं और इस बीच बच्चे तड़प तड़प कर जीने को मजबूर हैं। विकट स्थिति है और अस्पतालों में एक बार फिर बेड की कमी है। रहस्यमयी बुखार के चलते बच्चों का जीना मुहाल हो गया है, उनकी जिंदगियों पर बनाई है। ऐसे में आज हम आपके लिए चार जगहों से कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले आगरा, फिर फिरोजाबाद और उसके बाद कुशीनगर और फिर हरदोई। ये चार जगहों से हमारी रिपोर्ट देखिएगा और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट दिखाएंगे आपको आगरा से कि आगरा में आखिर इस बुखार ने किस तरह से तांडव मचा रखा है। आगरा के आसपास के जिलों में वायरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम RRT गठित कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। यहां आप बुखार से पीड़ित मरीजों की सूचना दे सकते हैं। आगरा SN मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, साथ ही बच्चों को भी यह बीमारी तेजी से जकड़ रही है। बच्चों के लिए घातक होता जा रहा है वायरल बुखार। कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। अधिकांश विशेषज्ञ तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार ने बच्चों को जकड़ लिया है। आसपास के जिलों में तेजी से छोटे बच्चों को यह बुखार अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी बदौलत अब SN मेडिकल कॉलेज समेत तमाम प्राइवेट अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, बरसात के सीजन में तो वायरल फीवर हमेशा देखने को मिला है। इस बार ये आप देख रहे हैं, थोड़ी बरसात लेट है और बच्चों की जो कोविड की से स्कूलों की छुट्टी हैं, तो बच्चे खाली समय में जैसे बाहर ज़्यादा खेलते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मच्छरों के संपर्क में आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी देखा गया है। और बच्चे ज़्यादा पूरी आस्तीन के या फुल कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो उनके संपर्क में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं मच्छरों के, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि वो इनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि मौसम ऐसा है, इसमें हर साल डेंगू फैलता है, लेकिन इस बार इतने भयानक तरीके से फैल रहा है, तो लोगों को एक डर है कि क्या ये कोविड की तीसरी लहर तो नहीं है। नहीं, देखिए, इस बारे में अभी कहना तो जल्दबाजी होगा और विशेषज्ञ दलों की टीमें इसमें जाँच कर रही हैं। ICMR से भी टीम आई है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई जगह से सैंपल लेके NIV पुणे भिजवाए हैं। हाल ही में पशुओं से फैलने वाला वायरस स्क्रब टाइफस सामने आया है, जो आसपास के जिलों में तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यह वायरस पशु पक्षियों और जानवरों से इंसानों में फैलता है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में यह लोगों को बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रशांत गुप्ता ने बताया कि यह एक तरह का कीड़ा होता है जो पशु पक्षियों से चिपका रहता है, जिसके काटने से मनुष्य को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, चक्कर आते हैं। इससे बचने के लिए इंसानों को फिलहाल पशुओं से दूर रहना चाहिए, बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए, पक्षियों के द्वारा कुतरे गए फलों को भी नहीं खाना चाहिए। वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में आए मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आगरा और आसपास के जिलों में 112 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात अगर आगरा की जाए तो 22 संदिग्ध मरीज SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इसके अलावा 5 मरीजों में डेंगू के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी करके जागरूक कर रहा है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। इसके विपरीत जिला चिकित्सालय में अभी भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जब जिला चिकित्सालय की पड़ताल की तो अपने बच्चे का इलाज कराने आए उसके पिता ने जिला चिकित्सालय के बद इंतजामों की
पोल खोल कर रख दी। बच्चों को ये तकलीफ है, खांसी जुकाम हो रहा है और वहाँ पर ये डॉक्टर पर्चा देख के डेंगू की भी शिकायत ऐसा कुछ आया है क्या सामने? ऐसा उन्होंने जांच ही नहीं करी है, खाली पर्चा देख के दवाई लिख के और दवाई भी नहीं दी है, दवाई का आधा पर्चा टोकन फाड़ लिया है इन्होंने। मैंने अभी शिकायत करी है उनसे, इसका पैसा ले लेंगे सरकारी, जो दवाई दी नहीं है मुझको। डेंगू मलेरिया और स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट मोड पर है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज में लगातार फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो लोग इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हैं, वह सारे मरीज मथुरा या फिरोजाबाद के हैं। आगरा के संबंध में अगर बात की जाए तो नॉर्मल फीवर और अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आगरा के 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो गई है, जिसको लेकर एसएन मेडिकल के अंदर डेंगू मलेरिया वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड की संख्या रखी गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के ही मेडिसिन वार्ड में एक अन्य 24 और 14 बेड वाला वार्ड इन मरीजों के लिए बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने आगे बताया कि मेडिकल कॉलेज इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और हर स्तर पर इन मरीजों का इलाज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में संभव है। देखिए, अभी जो हमारे पास आगरा में मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में पिछले करीब 7 से 10 दिन के बीच में बुखार के पेशेंट्स की आने की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ओपीडी में भी करीब 50-60 पेशेंट प्रतिदिन बुखार के आ रहे हैं और माइल्ड फीवर के साथ आ रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको सांस की बीमारी है। इमरजेंसी के थ्रू जो हमारे पास एडमिशन्स हो रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स में, उसमें डेंगू हमारे पास जो आ रहा है मुख्य रूप से वो मथुरा और फिरोजाबाद से डेंगू के पेशेंट्स, उसमें बच्चे भी हैं बड़े भी वो आ रहे हैं। अगर मैं टोटल संख्या निकालूं तो अब तक एडल्ट पेशेंट जो बड़े पेशेंट्स हैं डेंगू के, वो हमारे पास आज सुबह तक 8 आ चुके हैं। डेंगू मलेरिया और स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम भी अलर्ट मोड पर आ गई है। नगर निगम द्वारा जगह जगह फॉगिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ब्रज क्षेत्र में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ICMR की एक टीम आगरा भेजी है। टीम के सदस्यों द्वारा जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पड़ताल की रिपोर्ट सीधे लखनऊ मुख्यालय प्रेषित की जाएगी। ICMR की टीम द्वारा आज आगरा जिले के ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का चौक चौबंद और लोगों में डेंगू और मलेरिया के विचारों के प्रति जागरूकता के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर जारी है। इस वायरल फीवर के कारण फिरोजाबाद जनपद में अब तक 50 से ज्यादा परिवारों के चिराग और उनके आंगन की किलकारियां उन परिवारों से महरूम हो गए हैं। फिरोजाबाद के 100 सैया अस्पताल में बताया जा रहा है कि 360 मरीज भर्ती हैं। इसमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। एक बेड पर तो बच्चों के लिए व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बावजूद इसके फिरोजाबाद 100 सैया अस्पताल में ऐसे बहुत ही कम बच्चे देखे जा रहे हैं जिनको ग्लूकोज की बोतल ना चल रही हो और वह बुखार में तड़पना रहे हो। इसके लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को लगाया गया है।
वहीं सीएमओ फिरोजाबाद द्वारा वायरल फीवर के मरीजों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जहां भी सूचना मिलती है वहां तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस व स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों के सैंपल ले रही है, साथ ही उनको दवाइयां भी वितरित की जा रही है। लेकिन वायरल बुखार का कहर है कि वो लगातार जारी है। बच्चे बुखार से तड़प रहे हैं और उनके माता पिता इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हलकान नजर आ रहे हैं। उसे बुखार आया है, बुखार आया था तो दूसरे दिन छुट्टी कर रहे थे लड़की की, आप तो हो गए इलाज कहीं अंत ले जाओ, सही होगी नहीं सही कैसे होगी, तब फिर दोबारा भर्ती की, फिर नहीं छुट्टी की। जब मैंने बोल दिया मैं छुट्टी करा ली, लड़की मेरी परेशान छुट्टी करा ले कहाँ जाऊँगी, तब फिर तो ठीक है, फिर नहीं बोला छुट्टी करने के लिए। अब 3 दिन हो गए मेरी लड़की को, अब तो दवाई सही मिल रही है। इस समय कैसी पोजीशन है आपके बच्चे? अब उसके पेट में दर्द है खाली बस। अच्छा, क्या हुआ था उसको? बुखार आया था। बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, बुखार अपनी चरम पर पहुंच गया है और ऐसे में परिजन उनको लेकर अस्पताल अस्पताल घूम रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी, खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं क्या, मतलब क्यों आए हैं आप हॉस्पिटल में? नहीं, हमारे भतीजे परेशान हैं, उसने देखे हुए आए थे और गांव मेरी के रहने वाले हैं। क्या हुआ आपके भतीजे को? डेंगू बुखार की शिकायत। अच्छा, तो वो कब से यहाँ भर्ती है और किस तरीके से इलाज मिल रहा है बच्चे को? इलाज तो सही मिल रहा है, पर सही है, वो आज ही भर्ती कराई है आज 11 बजे। कितने वर्ष का होगा बच्चा? एक होगा 13-14 साल का, एक होगा 8-9 साल का। हमारे साथ और भी हैं एक तीमारदार, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पर कौन भर्ती है और किस तरीके से यहाँ पर इलाज मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, आप सामने देखिए, ये बताइए कि आपका यहाँ कौन भर्ती है और क्या हुआ था, पूरी बात बताइए आप। हमारे यहाँ भतीजा भर्ती है, डेंगू की शिकायत है, कल एडमिट कराया था, 10 साल का है और इलाज सही चल रहा है, बरकरार है, कोई दिक्कत ना, आराम है, इलाज सर्विस बढ़िया है, सही, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो फिलहाल। तो ये थे तीमारदार, इनके भी भतीजे यहाँ भर्ती हैं और दो भतीजे हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही इन्हों भर्ती कराया गया, वायरल फीवर था इनको और जो कि यहाँ इनको इलाज मिल रहा है। फिरोजाबाद से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए किशन चंद। कोरोना के बाद वायरल फीवर से लोग पीड़ित हो रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसकी चपेट में आने लगे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों तेज बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित मरीज की संख्या एकाएक बढ़ी है। वायरल फीवर से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में उपचार कराने पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में इन दिनों मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक 40 से अधिक मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर तत्काल उपचार कराने की सलाह दे रहे हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से कुशीनगर जिले में बढ़ने लगा है। संयुक्त जिला अस्पताल के ओपीडी में उपचार कराने पहुंचे ज्यादातर मरीज तेज बुखार सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। डॉक्टर ऐसे मरीजों को 5 दिन की दवा देने के साथ ही आराम करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 5 दिन में बुखार से राहत नहीं मिलती है तो वह खून की जांच कराएं। परिवार तो मरीज के बुखार लगा। कब से बुखार लगा था? 10 दिन। तो ये कब भर्ती करवाए मरीज के? डॉक्टर का कहा था? मैं डॉक्टर कहा था नहीं कि 10 दिन में ठीक।
इलाज बढ़िया से होता ना, दवाई उसे मिलता ना बढ़िया से? कहाँ नाम आपके? कहाँ घर पड़ रहा? घर कहाँ पड़ रहा? थाना कहाँ बोलवा तोरे मरीज के? कैसे कहाँ बोलवा बताओ, कहाँ बोलो तोरे मरीज के? कब से आता झटका वो? डॉक्टर कहाँ कहता है? कहाँ घर पड़ रहा आपके? कहाँ नाम है आपके? तो मरीज को क्या हुआ है? कब से भर्ती है आप लेके? क्या नाम है आपका? कहाँ करवाने वाली है? थाना? कुछ लोग जांच रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं जिसमें टाइफाइड की पुष्टि हो रही है। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी मरीजों का पहुंचना जारी है। बच्चों के अस्पताल में भी मासूम मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ने से परिजन परेशान हो गए हैं। कुशीनगर से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई में पिछले एक सप्ताह से वायरल फीवर के प्रकोप से मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बेड, दवा सामग्री आदि चीजों का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के सामने शायद ये परेशानी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में मरीजों को अतिरिक्त खर्च कर सामग्रियां खरीदनी पड़ रही है। यही नहीं, कर्मचारियों का इतना अभाव है कि महिलाओं तक को मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर से खींचना पड़ रहा है। यह तस्वीर बेलग्राम कोतवाली क्षेत्र के सुधा श्रीवास्तव के परिजन की है। उनके परिवार का एक युवक घायल हो गया था, जिसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो यहां समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि मरीज को सड़क हादसे में चोट लग गई थी। ओटी में जब मेडिकल स्टोर से पट्टी खरीद के लाई गई, उसके बाद उसको पट्टी लगाई गई, फिर खुद ही स्ट्रेचर से खींचना पड़ा। के साथ क्या हुआ है और कहां से आप जो है इसको ले आ रही हैं? वहां से लेके आए हैं, उधर रोड के पास में पास है, उसमें से अस्पताल से लेके आए, वहां से पट्टी करवा के ले जा रहे हैं। और ये पट्टी वगैरह जो आपने खरीदी है या यही अस्पताल से मिली है? हम खरीद के मंगवाई है, हमने पट्टी लिख के दिया था और वो मेडिकल से मंगाई है। ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हरदोई में वायरल फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से कोरोना काल की यादें ताजा हो गई हैं, जब अस्पतालों में बेड की कमी देखी गई, अस्पतालों में दवाइयों की कमी देखी गई। तो ऐसे में हरदोई से आ रही ये तस्वीरें एक बार फिर उसी दुर्दशा को दोहराती नजर आ रही हैं, जहां वायरल फीवर अपने चरम पर है और स्वास्थ्य सुविधाएं धड़ाम हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस रहस्यमय बुखार ने हाहाकार मचा रखा है और ऐसे में अब हमारे बच्चों पर बना है, हमारे बच्चों की जाने जा रही हैं और अब हम शांत नहीं रह सकते। कोरोना की पहली लड़ाई हमने बहुत शानदार ढंग से लड़ी, दूसरी लड़ाई हमने मजबूती के साथ लड़ी और अब जब तीसरी लहर की बात हो रही है और इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बच्चों के बीच हो रहा है, तो ऐसे में उससे पहले ये रहस्यमय बुखार हमारे बच्चों के जीवन पर सबसे ज्यादा संकट डाल रहा है। ये विकट स्थिति है, लेकिन इससे लड़ना जरूरी है क्योंकि अब बात हमारे बच्चों की है, बात इस देश के भविष्य की है। तो इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। यकीन करिए, ये तस्वीरें सिर्फ चार जगहों की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर से लगातार आ रही है।
तो अब इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। प्रशासन, शासन और हम लोगों को इस पर साथ आना होगा, मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बात हमारे बच्चों की है। सबको एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना है।